दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि टीम इंडिया रोहित की कप्तानी में न्यूजीलैंड को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करके अपने अपमान का बदला ले चुकी है और इस हार को कीवी टीम कभी भूल नहीं पाएंगे। कीवियों ने जो भारत को जख्म दिया था, आज वो रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने दूध समेत वो जख्म उन्हें वापस कर दिया है। दोस्तों 21 नवंबर की शाम कोलकाता में एक ऐसा मुकाबला खेला गया जहां एक तरफ कीवी टीम अपने सम्मान बचाने के लिए खेल रही थी तो दूसरी तरफ भारतीय टीम अपने अपमान का बदला लेने के लिए खेल रही थी और इस मैच में टीम इंडिया और कीवी टीम के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोस्तों इस मैच में नए कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी न देकर खुद बल्लेबाजी करने आए, जिसके बाद टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के शानदार 56 रनों की पारी और अंत में दीपक चाहर की मात्र 8 गेंदों में ही 21 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से 20 ओवर में 184 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गई। वहीं जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही। मार्टिन गप्टिल के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया और न्यूजीलैंड बुरी तरह से इस मैच को हार गया। अब दोस्तों इस मैच के बाद मैच प्रोजेक्शन में रोहित शर्मा से जब सवाल किया गया कि जब आप टॉस जीत गए तो आपने न्यूजीलैंड को गेंदबाजी का मौका क्यों दिए, आपने खुद क्यों गेंदबाजी नहीं करी, जबकि ये जानते हुए भी कि इस टूर्नामेंट में जो भी पहले बल्लेबाजी करता है वो 90% पहले ही मैच हार जाता है और इसके अलावा बाद में गेंदबाजी करने पर भारी भरकम ओस का सामना करना पड़ता है, इसके बावजूद आपने न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी दे दिया, ऐसा आपने क्यों किया? तो दोस्तों इस सवाल पर रोहित शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है टॉस जीतने के बाद मैंने बल्लेबाजी चुनी और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कीवी और इतिहास हम पर ये इल्जाम लगा सके कि हमने टॉस जीतकर सारे मैच जीते हैं, बल्कि हम अपनी काबिलियत और टीम की हिम्मत से उन्हें हराना चाहते थे, न कि टॉस के दम पर, इसलिए मैंने कीवियों को जानबूझकर पहले गेंदबाजी का मौका दिया लेकिन फिर भी वे मैच हार गए। अब कीवी हम पर और भारत देश पर आंख नहीं उठा सकते।